बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं स्टिच किए हुए कपड़ों की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इस तरह से स्टिच किए हुए कपड़े देखने से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आपने ये टीनेज 18 से 20 साल की 22 साल की बच्चियों के कपड़े किस तरह से स्टिच करने हैं। तो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, इस तरह के कपड़े बहुत ही शौक से पहनते हैं। इस तरह के स्टिच किए हुए, इसमें एक रेडीमेड स्टाइल की लुक आ जाती है। तो ये ऑल ओवर सूट है, ये देखें, ये इसकी शर्ट है और साथ में ये ट्राउज़र इसका, और इसके साथ ये प्लेन दुपट्टा, शिफोन में प्लेन इसका दुपट्टा है। तो देखें, बहुत ही ज़बरदस्त एक लुक आ रही है। तो इस तरह प्लेन प्रिंटेड सूट के साथ प्लेन दुपट्टा बहुत प्यारा लगता है, ख़ासकर जो टीनेज बच्चियाँ होती हैं। तो इसको मैंने सिंपल एक साइड पे बस बेबी पिको करवाई है। फ्रंट इसका जो होता है उस पर मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे इस पर किनारी बनी हुई है, ये देखें। तो इसका ट्राउज़र मैंने सिंपल सिलाई किया है, ऊपर यह से इसकी इलास्टिक लगाई है, नीचे से देखें 7 इंच मैंने इसका पांचा रखा है। और इसकी जो शर्ट सिलाई की है वो मैंने रेडीमेड स्टाइल में सिलाई की है, जो कि पहनी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये देखें, इसका गला देखें, आजकल रेडीमेड स्टाइल में जो गले आ रहे हैं सबके ऊपर इसी तरह से सिलाई लगी होती है। तो देखें, ये मैंने रेडीमेड स्टाइल में गला बनाया है बेस शेप में। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इस शर्ट की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये ओपन शर्ट है। तो इसका गला देखें, नीचे से देखें, इसकी मैंने सिलाई लगा दी, और बैक भी मैंने रेडीमेड स्टाइल में बनाया है, और इसके ऊपर भी मैंने ये सिलाई लगा दी, ये देखें। इसके बाजू देखें, बाजुओं के आगे ये बारीक सी लेस थी, बहुत ही प्यारी सी। तो इस तरह से मैंने 1 इंच की फोल्डिंग करके आगे ये लेस लगा दी। सेंटर में मैंने सिलाई लगा दी, दो पार्ट अलग अलग कर लिए थे, 2 इंच 4 इंच का मैंने मार्जिन रखा था। 2 इंच मैंने एक साइड को फोल्ड करके तरपाई लगा दी थी, और 2 इंच मैंने एक साइड को फोल्ड करके, ये देखें, तरपाई लगा दी थी इस तरह से। तो एक पट्टी बन जाती है, जिससे एक बहुत अच्छी सी ओपन शर्ट में लुक आती है। देखें, दरमियान में मैंने इसके ये लेस लगा दी, और एंड पर जाकर मैंने ये एक हैंगिंग वाला बटन लगा दिया, और इसके ऊपर ये रेड कलर का एक स्टोन लगा दिया, क्योंकि इसमें रेड कलर की एक टोन आ रही थी। और इसकी जो फोल्डिंग की वो भी मैंने रेडीमेड स्टाइल में की है, ये देखें, बस 1-1 इंच के फासले पर 1-1 इंच की फोल्डिंग करके मैंने इस तरह से सिलाई, 1-1 की सिलाई लगाई है। यहाँ से देखें, इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी, और इसको भी 1 इंच की फोल्डिंग के साथ ले गई, ये देखिए, इस साइड से भी देखें। और इसका जो सेंटर की मैंने ये ओपन रखा, इसको मैंने 7 इंच रखा, 7 इंच मुनासिब रह जाता है, ना ज़्यादा खुला होता है, ना ज़्यादा ये कम होता है, ना ज़्यादा लंबा होता है। तो 7-8 इंच तक ओपन बहुत अच्छा लगता है। इसकी जो शर्ट की लंबाई है वो मैंने मीडियम रखी है, 35 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। तो इसकी बैक दिखाऊंगी आपको मैं, इसकी बैक देखें, ऑल ओवर प्रिंट है, बहुत ही खूबसूरत सा इसका प्रिंट है। इसमें ये प्रिंटेड से फूल है, और साथ में ये बटरफ्लाई बने हुए, क्योंकि आजकल बटरफ्लाई का प्रिंट बहुत ज़्यादा इन है। तो बैक पर भी इसी तरह से मैंने इसके फोल्डिंग लगाई है, ये देखें, बस 1 ही सिलाई लगाई, 1-1 इंच की फोल्डिंग के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन प्रेस करें। जो चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी नई वीडियो देखने को मिले। तो ये सूट भी मैंने स्टिच किया, बहुत ही प्यारा सा सूट है ये। तो ये देखें, ये इसके साथ ये प्लेन दुपट्टा है इसके साथ, बस इस पर मैंने सादा बेबी पीको बनवाई है। और इसकी ये शर्ट मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत ही प्यारी सी इसकी शर्ट है। तो इसमें ये सेंटर में पैनल का मैंने टच दिया है, ये देखें, इसका गला मैंने कुछ इस तरह से बनाया, 1-1 इंच के फासले पर इस तरह से मैंने ये पिंटिक्स बनाए, और इसके ऊपर ये 3-3 मोती लगा दिए हैं, ब्लू कलर में और रेड कलर में, सेंटर में दोनों साइड पर ब्लू और सेंटर में रेड कलर का मोती है। तो ये देखें, पहले मैंने इसका गला रेडी कर लिया था, बाद में मैंने एक पट्टी इस तरह से रखकर लगा दी, दूसरी पट्टी यहाँ से रखकर इस तरह से इसके ऊपर रखकर इसकी मैंने ब्लैकेट बना दी, और जो आगे बढ़ाकर इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई लगा दी, ये देखें, और बहुत ही खूबसूरत सा गला बन गया, कहीं से मुझे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मैंने इसमें लेस लगाई है, जॉइंट लेस, ये देखें, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग के साथ,
और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इस तरह से लेस हर सूट में लगाई जाती है। तो इसके बाजू में आपको दिखाऊंगी, बाजू भी बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग के साथ है। तो बाजुओं के आगे ये नीचे रेड कलर की 1.5 इंच की फोल्डिंग की पट्टी लगाई और इसके आगे ये इस तरह से शटल में लेस लगा दी और इससे ये 3 इंच के 3.5 इंच के फासले पर ये वाली ज्वाइंट लेस जो दामन पर लगाई है यही वाली इधर लगा दी और इसके पीछे ये 3-3 पिंटिक्स लगाए और एक लेस ये खूबसूरत सी लेस इस तरह से समोसा में थी तो मैंने इस तरह से जो लगा दी है तो एक काटवर्क और समोसा वाली इसमें लुक आ गई जो कि बहुत ही प्यारा सा बाजू बना हुआ लग रहा है। ये देखें बाजू की खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग हो गई। तो देखें शर्ट कितनी प्यारी लग रही है। नीचे से मैंने इसके काटवर्क बना दिए, रेड कलर का कपड़ा लगा कर इस तरह से नीचे, क्योंकि रेड का ट्राउज़र है तो रेड की मैंने नीचे इसके ये पलटा लगा दिया और काटवर्क लगा कर इसमें मैंने इस तरह से ये हैंगिंग की तरह ये 3-3 बटन लगा दिए हैं। 2 मैंने ब्लू में, दरमियान में एक रेड कलर का बटन। ये देखें इस तरह से बहुत ही प्यारी सी लुक आ रही है। ये देखें और साइड चौक पर भी इसी तरह से मैंने 1.5 इंच का पलटा लगाया है। ये देखें तो इसकी बैक दिखाऊंगी मैं आपको। बैक इसकी सिंपल है, प्रिंटेड है, बहुत ही प्यारा सा प्रिंट। तो इसका पलटा देखें, 1.5 इंच का ये साइड का पलटा है और 2 इंच का ये नीचे का पलटा है। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि 2 इंच का यहाँ पर लगाया था तो 2 इंच का ही बैक पर लगा दिया, 2 इंच का ही पलटा। तो ये देखें एक खूबसूरत सी लुक आ गई, बहुत ही प्यारी सी ये शर्ट है। तो इसका ट्राउज़र दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये इसके साथ कढ़ाई वाला ट्राउज़र है एम्ब्रॉयडर्ड, तो इसको मैंने बेल बॉटम में स्टिच किया है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, ये एक साइड पे जो ट्राउज़र की कढ़ाई आती है इस तरह से ये ट्राउज़र था, तो इसको मैंने बेल शेप में स्टिच किया है। इसकी ये बेल शेप में जो मैंने ट्राउज़र एड किया है ना, जो ज़्यादा यहाँ से टाइट है ना खुला है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आपको मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी। नीचे से ये एम्ब्रॉयडर्ड है और नीचे से ये इस तरह से कटवर्क हुआ है। देखें एक साइड इसकी एम्ब्रॉयडरी वाली है और एक साइड बैक इसकी प्लेन है इस तरह से, और बैक पर ये मैंने 3 इंच की फोल्डिंग की है। देखें दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत ही खूबसूरत सा ये बेल शेप में ट्राउज़र बना है। देखें ऊपर मैंने इसके इलास्टिक लगा दी थी, तो मैं पूरा सूट आपको रिव्यू कराऊंगी। तो ये देखें इसके साथ रेड में दुपट्टा है, रेड ही इसका ट्राउज़र है और साथ में ये शर्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा कंट्रास्ट के साथ, ये शर्ट के साथ प्रिंटेड शर्ट के साथ सूट बना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने का अल्लाह हाफिज़।